नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RPSC ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, रेलवे डी ग्रुप वैकेंसी जो 2019 में अभी 1,03,000 पदों के लिए आई हुई है, उसमें दोस्तों कितने फॉर्म भरे गए हैं और इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ग्रुप डी की भर्ती के लिए अब तक 1,37,00,000 आवेदन। रेलवे ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वालों के लिए नौकरी मिलने के बेहतर अवसर है। कारण, इस बार बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है। रेलवे की ओर से लेवल फर्स्ट ग्रुप डी में 1,03,700 गुणशीतर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनमें असिस्टेंट विज असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट डिपो, असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट पाइस्टमैन एंड असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट वर्क्स, ये कुछ पोस्ट हैं। अन्य पदों पर भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन पदों के लिए देश भर में करीब 1,37,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड के 5,500 पदों के लिए करीब 9,00,000 आवेदन प्राप्त हुए। इस हिसाब से हर देश भर में एक पद के लिए 132 उम्मीदवार और उत्तर पश्चिम रेलवे में एक पद के लिए 163 अभ्यर्थियों अपना अभाग्य आजमाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का वास्तविक आंकड़ा परीक्षा शुल्क जमा कराने और आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन पिछली ग्रुप डी भर्ती के मुकाबले आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कम है। पिछली बार 62,000 पदों के लिए 1.90 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे होगी भर्ती। देखिए दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया क्या है। इसमें रेलवे की ओर से इन पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, जो आप सबको पता है। पिछली बार अभी जस्ट वैकेंसी हुई है। ये परीक्षा इस साल दिसंबर, सितंबर और अक्टूबर में आयोजित किए जाने की संभावना है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के मध्य हो सकती है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और फिजिकल में पास होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जाँच होगी। इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करवाने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी मिल सकेगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से हमसे आगे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।